साल में तीसरी बारी बनाई बहन जी ने। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं और हम लोग तैयारी में लग गए। कुछ तैयारी अब होगी आटा लगा के रखने की, क्योंकि आटे को जो है थोड़ा समय दिया जाता है और फिर जो है शाम के टाइम बाकी की और तैयारियां करेंगे। उसी बीच में हम लोग आराम करेंगे, लेकिन मुझे अपना व्लॉग जो है एडिट करना है शाम के लिए। और नेक्स्ट जो व्लॉग आएंगे वो बहुत अच्छे होने वाले हैं आप सबके लिए। खूब इंजॉय करें, खूब सारा प्यार दीजिएगा सार्थक को। तो चलो जी, तैयारी में लग जाते हैं दोनों ननंद और भाभी। तैयारी शुरू। और ये ले लिया मैदा आटा लगाने के लिए भटूरों के लिए, क्योंकि इसे थोड़ा सा टाइम देना होता है, तो पहले ही बहन जी लगा के रख देगी और बस बहुत है। तो कम पड़ेगा, पूरी बना लेंगे। हाँ, तो मैं दाल कम पड़ रहा था, कम निपटने का चावल भी तो पड़ेंगे ना। हाँ। सबसे पहले मैदे में मिलाया है देसी घी का मोवन, ना कि रिफाइंड। तो जी मोवन लगा दिया इसमें, अच्छे से मिक्स कर दिया है आटे में, ये देखो। और अभी इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा सा दही। और सबसे पहले तो इसमें इनो मिलाया था शायद, है घी, इनो और दही। तो इस तरीके से बनाया जाता है ये आटा, देखो जी। सोडा भी दूँ, थोड़ा सा लगा लिया है इसमें पानी। तो अभी बस ये आटा लग के तैयार हो जाएगा। ये गगन को सामान बताया था लिख के, और ये कह रहा मैं मेडिकल स्टोर पे थोड़ा जा रहा था, सामान लिख के दे रही तू? नहीं, मेडिकल स्टोर वाली राइटिंग है जी, जब बस एक अक्षर था मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अजी हाँ, बस वो इसकी समझ में नहीं आ कुछ भी तेरा लिखा हुआ। देखो इतनी सुंदर मेरी हैंडराइटिंग है, अभी दिखा रही हूँ। तो फिलहाल 6:30 बज गए शाम के, और अभी देखो एकदम अंधेरा हो जाएगा और हम लोग थोड़ा सा लेट है, क्योंकि मैं जो है वीडियो एडिट करने के लिए चली गई थी। गई तो दोपहर ही थी, फिर नींद आ गई भाई मुझे थोड़ी सी देर, और मैं सो गई। फिर गुड्डू चाय लेके गई। अभी जो है कपड़ों वपड़ों की तय करी हमने, पूजा भी आ गई थी, मुझे पता नहीं किस टाइम की आ रही। और बहन जी ने छोले रख दिए थे इस पर उबलने के लिए, अभी जो है इन्हें छोंक दूँगी मैं और बस फिर दूसरी सब्जी बनाओगे। पनीर की फरमाइश है इनकी, मटर पनीर की, तो वो बना देंगे। और आरुष बेटा पूरी स्लीव्स के कपड़े पहन रहा है और तबीयत इसकी बिल्कुल ठीक है, ये फुल एंजॉय कर रहा। तो फिलहाल छोले बन के तैयार हो गए और चावल भी बन गए। चावल मैंने गैस पर उबाल लिए और यहाँ बना रही है अभी हलवा सूजी का और बेसन का। ये सारी चीज़ें मैंने छान कर रख ली और कढ़ाई जो है गर्म होने लग रही। तो चलो जी हलवा बना देंगे। फिर भटूरों का आटा तो घर से लगा ही रखा, वो बना देंगे भटूरे इनके नाम के, बच्चों की फरमाइश पूरी हो जाएगी। और मटर मैंने उबाल कर रख लिए। पनीर की सब्जी बनने में भी थोड़ा ही टाइम लगेगा, 2 सब्जी, पनीर, चावल, छोले, हलवा और भटूरे। टाइम लगा है, मैं ना सोचे जल्दी जल्दी बना रही है। और ना 6 बजे शुरू करे थे, अब 8 बज गए, देखो रात भी होगी। और इधर में पड़े हवा में पड़े, देखो सब ली आई पूजा और लटकना भी रहा। तो फिलहाल पनीर बनाने की तैयारी, और ये मैंने बॉईल कर लिए, उधर पनीर भी काट देंगे इतने, और ये टमाटर। तो थोड़ी छोले की सब्जी, थोड़ी पनीर की, मटर पनीर की सब्जी। तो इस तरीके से बनाएंगे, हलवा बन गया, चावल बन गए। तो ये भी दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, और ये थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी देखने में। लाल मिर्च ढूंढ रही पूजा, देखो कितनी देर होगी मर पावेगी क्या यार जी। फिर सुबह को सारे खिल जाएंगे थारे भाई। तो गाइस अब बारी आती है तैयार होने की, खाना पीना बनाने के बाद, खाने के बाद नहीं क्योंकि खाएंगे सेलिब्रेशन बाद में करके। और सब ने देखो पिंक पिंक पहन लिया, मैंने आज अपना पिंक सूट पहन लिया, बताइयो कैसी लग रही है। मैंने अपनी पिंक टी-शर्ट पहन ली, मम्मी ने अपना पिंक कलर का सूट पहन लिया। और एक बात बताऊं, आज सब ने पिंक पिंक कपड़े पहन लिए। सार्थक का है वो बर्थडे बॉय, इन्हें तो येलो पहन रखे। खैर बबली जी से बात करा था, मैंने नाम पूछा और फिर पूछा यू आर फ्रॉम, मुझे भाई बाप को मुझे मंगला भाई उनको भाई। अब ये देखो बुआ जी ने भी पिंकी पैर रखा। अरे तो सुबह का पैर रखा, तो अच्छा सुबह का पैर रखा। तो चलो अब बदलो जल्दी क्योंकि 9 बज गए और 9:30 बजे तक। हाँ रोक्सी गु, ताऊ जी रोक्सी गु नहीं बोलते, रोक्सी की फिगर सबसे ज्यादा रहे इन्हें। हाँ चलो तो जी हम चल रहे ऊपर ही, जरा अपनी रीत
रील्स वगैरह बनाएंगे, फोटो खींचेंगे। तो जी फिलहाल मैं भी रेडी हो गई हूँ और सारे के सारे बच्चे एकदम रेडी है, खाना भी रेडी है, बस भटूरे तलने हैं वो आने के बाद में, क्योंकि गुड्डू ने डेकोरेशन कर रखी सेकंड फ्लोर पे। तो जी आज मैंने फर्स्ट टाइम पहना है सार्थक के बर्थडे में, सेकंड बुलाई हुआ, फर्स्ट ऊपर होगी सेकंड तो ऊपर होगी। और सार्थक भी तैयार है एकदम, बर्थडे बॉय भी, ये देखो चश्मा वश्मा लगा के एकदम हीरो वाली एंट्री। और भाई साहब भी आ गए, गगन भी, चाचा जी भी। चलो जी सारे के सारे रेडी है, कितनी देर लगेगी और हैं? मुन्ना भैया के लेके चला गया ऊपर में, मैं करा करूं। हां कभी-कभी मैं भी करती हूं, ये बर्थडे बॉय देखो, जब कभी-कभी मैं नहीं रहता, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्थडे बॉय। मम्मी कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा, हीरो जैसा, हीरो जैसा। अगर आज उन्हें सब कुछ दिया होगा ना तो उसका तो केक के 2 रुपए लगा। आरुष भी एकदम रेडी है और अपने भैया के पास में, ये देखो। और ये आज गुड्डू की डेकोरेशन और ये केक की जो है ओपनिंग करेंगे छोटू भैया बच्चों के। हैप्पी बर्थडे ब्रो, ओहो अपने स्टाइल में दिखा रखा हैप्पी बर्थडे ब्रो, देख ले नंदू के स्टाइल में, नंदू ब्रो। अच्छा ये फोन लिया थी नंद ने, देखो बच्चे ऑर्डर है, बच्चे उठा नहीं रहे, पूजा के साथ खेल रहा भैया बच्चा, छोटा बच्चा बनना। ने अपना नया सूट आज पहन लिया, मैंने भी अपना नया सूट पहन रखा। और ये इसकी डेकोरेशन, बस ये सारे बैलून यहाँ चिपका दिए। पिताजी की जोड़ी है मिसिंग इस बर्थडे में, तो इसलिए पिताजी सॉरी ताऊ जी और चाचा जी आज सार्थक का केक कटवाएंगे, क्योंकि बड़े लोग ही कटवाते हैं पहले से ही। और आज बड़े हमारे में सब में यही है, हाँ क्योंकि हम थोड़े से तो लोग ही है देखो, और इनमें यही केक कटवाएंगे। और सार्थक का बर्थडे 2 साल से ना मम्मा के घर ही मनाया जा रहा, तो इसलिए ना एकदम जोरों शोरों से सब मनाया जा, वरना वहाँ के आवेश के दोस्त आते होंगे, इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है, ऐसे ही मना लेता होगा। लेकिन यहाँ ये देखो पूरे अंदाज में टशनबाज जन्मदिन हम बिल्कुल इस तरीके से ही मना रहे, जब पूरी फैमिली थी ना साथ में पिछले साल, तो कोई भी कमी ना लगे और सार्थक को ऐसा महसूस ना हो भाई मेरे यहाँ मम्मा नहीं है वे बाहर जा रहे, तो इस वजह से सारी सारी अरेंजमेंट जो है आज गगन ने करी बहुत अच्छे तरीके से। शाबाश, ये देखो केक इसका कितना सुंदर सा। चलो चलो, हेलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चम्मच लानी याद नहीं रही जा रहे हैं, छोटा छोटा काट कर खुआ तो सही बात है, नहीं सही है। तो ये देखो पूरे के पूरे चारों तरफ तक घूम के खो पिटारा खोल दिया, ले भाई ले, क्या सोच रहा तू, ले भाई चल मैं बारिश कर दूं पैसों को। क्यों हो रहा बेटा ऐसा, क्यों हो रहा, नाराज क्यों हो रहा? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I wish you.
इस पर रोटी बनाने आ गई, जब से रोटी वाली ताली बजाती है। नीचे चलने की तैयारी, चलो जी चलते हैं नीचे, हो गया सेलिब्रेशन। साल में तीसरी बार ही बनाए बहन जी ने भटूरे, मैंने तो बनाए नहीं। एक दिन पूजा को कहूँगी मगर तू बनवाइए, लेकिन फिर मैंने सोचा जब हम नए घर का मुहूर्त करेंगे ना तब बनवाऊंगे पूजा पे। तो जी ये फूले फूले भटूरे अभी हम खाएंगे, मैं तो एक ही खाऊंगी, वैसे रोटी भी है पूरी भी है, पूरी भी है इनके अलावा। तो अब हम तीन रह गए बस, अब हम तीन खाओगे हैं। मन्ने का खुला जाना पूछ के तू कह रही कभी कोई नुगा कैसे फटा हुआ है, मन्ने का मन्ने तो कराज में कितना कुरकुरा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के व्लॉग का कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं और आज ना मैं ऊपर ही थोड़ा सा साफ सफाई करने में लग गई थी और यहाँ पर मैंने पूरे में क्लीन कर दिया है और सारी जगह झाड़ू लगाकर एक डब्बे में पूरी की पूरी जो कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है पूरी इसका छत का, तो वो वहाँ पर डाल दिया है और टॉयलेट बाथरूम भी साथ कर दिया है साथ के साथ। और अभी बच्चे सारे के सारे रूम में सोए हुए हैं, कोई ऊपर कोई नीचे गद्दे डालकर, तो मस्त वाली नींद आई है इन सबको। रात ये कह रहे थे कि सारे एक जगह लुटेंगे, तो चारपाई बिछाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। और अभी छोटू को जगाना है क्योंकि उसे फिर ड्यूटी भी जाना है। नीलाक्षी बहन नीचे है और वो कर रही है पूजा घर में साफ़ सफाई, क्योंकि कान्हा जी को रात ना यहीं पर ले आए थे, बच्चे को जाम सोएंगे वहीं पर जो है इनका बेड रख लेंगे। तो चलो जी इधर की क्लीनिंग हो चुकी है और अभी चलते हैं नीचे, नीचे के काम देखते हैं। चाचा जी चले गए खेत में, नीचे के बहुत सारे काम हैं और बच्चों के जगने से पहले हम सोच रहे हैं कि नीचे की क्लीनिंग जो है पूरी कर दें। सुबह के 5:30 बजे से लगे लगे अर्ली मॉर्निंग के अभी 8 बज चुके हैं और इन्हें सबको मैंने नहला दिया आज। गाय को, छोटू को, लाला को, कृष्णा को, सबको नहला दिया क्योंकि इनके ना जुए बहुत होगी गर्मी की वजह से, तो जुए इतनी ज़्यादा हो रही। और अभी अभी मैंने साबुन मंगाई इनकी क्योंकि पुराने वाली साबुन जो है ख़त्म हो गई थी, छोटू को भेजा और उस पर मंगाई। अब ये छोटू ना आज बदी तो करके दिखावा गई, एनर्जी आ जाएगी, नहीं तो से जुओ ना खा गेरा बिल्कुल, इतनी ज़्यादा जुएँ होगी पता नहीं पहले नहीं होती। और साफ़ सफाई देखो कितनी करें, मतलब गोबर एक मिनट भी इनके नीचे नहीं रहने देते, इतनी साफ़ सफाई है। झाड़ू से रोज़ धोना इनके नीचे, फिर भी इनका ऑटोमेटिकली इनकी जो लाला की स्किन है ना उसमें ज़्यादा हो रही। सब्जी वाले को भी अभी रुक का तारना था, आ लिया जी। देखो जब भी फ़ोन उठावे ना कोई आ ही जा, सारे कपड़े भीग रहे मेरे। अब मैं नहा आऊँगी और फिर करूँगी पूजा, और नीलाक्षी बहन भी नहा के जो है पूजा पाठ उन्होंने कर ली, और फिर जो है मेरा नंबर आएगा, बच्चों को जगाएंगे नहाने के बाद में क्योंकि सारे कपड़े गिल्ले हैं मेरे भी। 10:30 बज गए सुबह के और मैं आई थी ऊपर ये बिस्तर इकट्ठे करने के लिए, बच्चे अभी अभी गए उठ के। और देखो एक बार तो उन्होंने यहाँ से रिफ्रेशमेंट के रूप में ना केक खा लिया, रात का बचा हुआ था ना तो यही मंगा खाया, आरूस लेकर आया था। तो चलो जी वैसे मैं कपड़ों की मशीन लगाई, मैंने सोचा थोड़ा हाई इस रूम में भी क्लीन कर देते हैं। और नीचे के क्लीनिंग के काम निपट चुके हैं और दूध दाद भी रख दिया मैंने हंडी में, बस खाना बनाना बाकी है और कपड़े धोने। कपड़े बस धुल जाएंगे इतने में यहाँ से जाऊंगी,
और ये कुछ कपड़े बच्चों ने चेंज करे थे ना रात, तो यहीं पर रख रखे। चलो फटाफट से इसे क्लीन करते हैं। देखो पूरे रूम में बिस्तरे लगे हुए हैं ऐसे ही। तो फिलहाल मैंने इस रूम में झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि बांस की झाड़ू ही काम करती है। इस वाले मैट पे पोछा तो नहीं लगता, ये कपड़े वाला है ना। तो ये देखो पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया, और इसका पाइप ना अभी लाया नहीं गया एसी का। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पहले बड़ी बाल्टी रखी हुई थी, तो ये छोटी बाल्टी का इंतजाम कर दिया। और एक दिन यहाँ ना और उसने वो मार दिया था पन्नी, तो इस वजह से ये पानी का निशान हो गया। इन्हीं निशानों की वजह से मैंने रूम में पेंट करवाया था, और बच्चों ने फिर भी ऐसा ही कर दिया। देखो तो जी इधर भी कपड़ा मार दिया। तो चलो चलते हैं अभी नीचे, और जो ऊपर बच्चे नहाए थे गीले कपड़े थे वो सब नीचे मैंने डाल दिए।